विज्ञान इस बात को मानने लगा है कि बच्चा जब माँ के गर्भ में है उसी समय उसके मन का विकास होने लगता है, और विशेष रूप से जो कई समस्याएं लेकर के माँ बाप हमारे पास आते हैं, अधिकतर करीब 70% से ज्यादा माँ बाप ये कहते हैं कि बच्चा हाइपर एक्टिव है, ADHD एक बीमारी भी होती है, ऐसे ही जिन बच्चों का बुद्धि का पूरा विकास नहीं होता है, डिसलेक्सिया, ऐसी और भी बीमारियां हैं, उन सब से अगर बचना है तो बच्चे के जन्म के बाद आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। जब बच्चा माँ के गर्भ में है उसी समय माँ के इमोशंस का, उसकी भावनाओं का बहुत ही अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ सकता है। डिवाइन गर्भ संस्कार इस प्रोग्राम के अंतर्गत अगर माँ को ये बातें सिखाई जाए कि कैसे मन को शांत रखना है, हर परिस्थिति में स्थिर रहना है, मेडिटेशन या योग के अभ्यास से पॉजिटिव इमोशंस को धारण करना है, तो उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। यह जो विकास है वह न केवल माँ के विचारों का परंतु सारा वातावरण है, घर का वातावरण भी बच्चे पर प्रभाव डालता है। अगर हम चाहते हैं कि बड़ा होकर के बच्चा क्रिएटिव बने, उसमें दिव्य गुण आए, तब भी गर्भावस्था के दौरान ही अगर माँ मेडिटेशन का अभ्यास करे, पूरा मन को डिटैच करना सीखे, कैसे पॉजिटिव थॉट्स को धारण करे, तो उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव प्रत्येक कोशिका पर हो सकता है, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान में सिद्ध हुई बात है कि हमारे विचारों का प्रभाव वो अणु अणु पर पड़ता है। तो इस बात को पूरा महत्व दे करके हर गर्भवती महिला यह डिवाइन गर्भ संस्कार प्रोग्राम को अटेंड करे तो उसके द्वारा बहुत ही अच्छा फायदा हो सकता है। ओम शांति। डिवाइन गर्भ संस्कार ये बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है, ये मेडिकल विंग का प्रोजेक्ट है, और इसको सुन करके मुझे बहुत हर्ष हुआ है कि सारे समाज के लिए, देश के लिए ये बहुत अच्छी एक नई दिशा मिलेगी, और हम नया एक दुनिया, नया एक जीवन लोगों को दे सकते हैं। इसे नई दुनिया में, नई दुनिया को बनाने में भी बहुत अच्छा हम योगदान दे सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, मेरा ही नहीं बल्कि हमारे मेडिकल विंग के सभी सदस्यों का ये हार्दिक शुभकामनाएं हैं। दिव्य गर्भ संस्कार का ये जो आप काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय है, क्योंकि इस जमाने के अंदर तनाव सबसे ज़्यादा होता है एक गर्भवती स्त्री के अंदर, और जब गर्भ पेट में बड़ा होता है उस समय उनके अंदर जो संस्कार डालने का सबसे अच्छा समय मैं मानता हूँ। शायद इसका कोई वैज्ञानिक कारण मैं नहीं दे पाता हूँ, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ मेरे पर्सनल अनुभव से कि मेरी डॉटर इन लॉ जब प्रेग्नेंट थी तो मेरी पत्नी उसके साथ करीब 2 महीना अमेरिका में रही थी, और बहुत सुंदर उसके अंदर संस्कार डाले थे, अच्छे दिव्य संस्कार डाले थे, गीता की बातें की थी, जैन दर्शन की बातें की थी, सत्यता की बातें की थी। तो मैं समझता हूँ कि, और उसके बाद में जब ये बच्ची पैदा हुई तो उसके जीभ के ऊपर मत की उंगली लगाई थी। आज मैं देख रहा हूँ ये मेरी जो ग्रैंड डॉटर है ये सबसे मीठी है। शायद इसके अंदर सेंटिमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो उसका गर्भवती स्त्री के अंदर जो संस्कार डाले थे ये बहुत अगत्य थे, और मैं चाहता हूँ कि ये जो काम हो रहा है दिव्य गर्भ संस्कार डालने का, इस सबसे अगत्य का और महत्व का एक काम है और बहुत सराहनीय है। मैं चाहता हूँ उन्हें बहुत बहुत सफलता प्राप्त हो और उनका काम दुनिया के अंदर सब लोगों तक पहुँचे। जिस प्रकार गर्भवती महिला के लिए हम लोग उसकी फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान देते हैं, उसके खान पान, एक्सरसाइज, रेस्ट, हर बात पर ध्यान दिया जाता है, इसी प्रकार ये बहुत जरूरी है कि माँ की मानसिक स्थिति पर भी बहुत ध्यान देना जरूरी है, जिसके लिए राजयोगा मेडिटेशन, क्योंकि उसमें
आत्मा का परमात्मा से गहरा संबंध होता है और आत्मा डायरेक्ट परमात्मा से शक्ति लेकर अपने मन को बहुत ही सुंदर बना सकती है। और इसमें यदि माँ की सोच और साथ साथ पूरे ही परिवार की सोच यदि परिवर्तित हो जाए, सुंदर हो जाए, सकारात्मक शक्तिशाली हो जाए, तो आप सोचो वो रचना कैसी होगी। जिस तरह से कोई भी व्यक्ति एक मकान का चयन करता है, उसको बनाता है, ये भी इस तरह से है कि एक बच्चे का, एक नई रचना का हम रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, तो वो रचना हमारी कैसी होनी चाहिए। अगर ये हमारी सोच सुंदर हो कि कैसा कन्हैया जैसा मेरा बालक हो, क्या उसकी चाल चलन हो, यदि ये हमारी सोच चले तो सचमुच उस आने वाले बच्चे का शारीरिक और मानसिक जो व्यक्तित्व होगा वो जरूर बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली होगा। जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी आता है कि वीर अभिमन्यु ने माँ की कोख में ही चक्रव्यूह में जाने का पूरा राज समझा था, ये रियलिटी है। तो आइए इसको हम अपनाएं और ऐसे सुंदर बालक का प्रजनन करने में मदद करें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट हमने आरंभ किया है। प्रोजेक्ट बहुत क्रिएटिव भी है और इनोवेटिव भी है। हम लोग टेक्नोलॉजी पे तो जाते हैं, लेकिन ये जो सिंपलिसिटी है और ये जो सिंपल सी बातें हैं, इन पे ध्यान रखना कि मदर का अपना एनवायरनमेंट कैसा हो, बाहर का एनवायरनमेंट कैसा हो। और हम लोग तो समझते हैं कि म्यूजिक है या सूदिंग एनवायरनमेंट है, वो जब जो व्यक्ति नॉर्मल है उसको ही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो व्यक्ति पनप रहा है, जो बच्चा नई रचना हो रही है, उसके लिए भी बहुत एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो जाता है, सूदिंग हो जाता है, बिकॉज दे आर एबल टू परसीव थिंग्स सो क्लियरली एंड विद सच एप्ट अटेंशन दैट दे कैन प्रॉस्पर, दे कैन ग्रो इन अ वेरी नॉर्मल वे व्हेन दिस क्रिएटिव एनवायरनमेंट इज प्रोवाइडेड टू देम। And I do feel there are challenges in it because these things are abstract, but once documented and shown to the people, they have a lot of potential. And I also feel that this is something which is in our culture. We have known for years together, but now science is also documenting how vibrations, how environment can influence the growth of a baby. This has all been documented. The language perception, the learning, I'm sure if we pay attention to these subtle things, the results are going to be very fantastic, and we would definitely feel that this is like bridging the gap between the old and the new. If we want to create a new world, we have to begin now and begin from here. मैं समझती हूँ बहुत आवश्यक है। कौन सा परिवार अपने घर में ये नहीं चाहेगा कि एक बहुत अच्छा सा बालक हमारे घर में आए, परंतु उसके पहले मैं समझती हूँ ये आवश्यक होता है कि माता जब गर्भ धारण करती है उसके बाद उसके अपने अनुभव में अगर हैप्पीनेस है, शांति है, डिविनिटी है, तो उसका असर उनके बच्चे पर जरूर होता है। तो ये डिवाइन गर्भ संस्कार की जो विशेष बात है, प्रोजेक्ट है, वो घर घर के अंदर हर माता के पास, हर परिवार के पास ये पहुंचाना चाहते हैं कि कैसे हम बच्चों को पहले से ही ऐसा डिवाइन संस्कार दे, ताकि आने वाला जो बच्चा है, आने वाला हमारा जो समाज है, मैं समझती हूँ आने वाला जो समय है, वो हर व्यक्ति के जीवन के अंदर सुख शांति आनंद को दे सके। मैं आशा रखती हूँ ये डिवाइन गर्भ संस्कार का जो प्रोजेक्ट है उसके थ्रू ये बातें हमारे देश और क्यों ना मैं कहूँ कि पूरे विश्व के अंदर घर घर के अंदर पहुँचे, जो हम सभी आशा और अपेक्षा रखेंगे कि हम सभी पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व को बदल करके एक नई दुनिया को लाने में सक्षम बनेंगे। मेडिकल विंग के लिए एक ये बून है कि डिवाइन गर्भ संस्कार अगर ये हम मेडिकल प्रैक्टिस में लेकर के आ जाते हैं, तो ये मदर के लिए, बच्चे के लिए और परिवार के लिए एक बहुत ही बड़ा एक वरदान होगा। 9 महीने की जब गर्भावस्था माँ की होती है और जब उसको बच्चा जन्मना होता है, उस समय पे कोई माँ को किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं होता,
और बहुत ही सहज और सुख में संतान की उत्पत्ति होती है और कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। तो बच्चा भी सुखमय होगा और उसको किसी प्रकार की कोई जो मेडिकल औपचारिक रीति से कोई ऊपर नीचे बातें हो सकती थी वो कोई नहीं होती हैं, और माँ भी बहुत कंफर्टेबल, बच्चा भी बहुत कंफर्टेबल, और हो सकता है कि जो सिजेरियन की जो जरूरत पड़ सकती थी वो नहीं होगी, और कोई भी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग डिलीवरी होती हैं वो भी नहीं होंगी, और माँ और बच्चे बहुत ही अच्छी रीति से एक या दो दिन के अंदर ही नर्सिंग होम से या हॉस्पिटल से बड़ी छुटकारा पा सकते हैं और घर में बहुत आराम से रह सकते हैं। आज के समय में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं दे आर मेजॉरिटी ऑफ देम हाइपर एक्टिव, दे हैव अटेंशन डेफिसिट आल्सो, उनके संस्कारों को मोल्ड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ ही समय में हम ऐसा संसार पैदा कर लेंगे जिसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगे। इसलिए माय हार्टी कंग्रेचुलेशंस टू सिस्टर शुभदा, द डॉक्टर इन चार्ज ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड ब्रह्मा कुमारीज फॉर अंडरटेकिंग दिस ब्यूटिफुल प्रोजेक्ट। आई थिंक ये प्रोजेक्ट सभी हॉस्पिटल्स के अंदर होना चाहिए, एंड आई हैव कम टू नो दैट गुवाहाटी में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के गायनेकोलॉजिस्ट दे ऑल्सो वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज डॉक्टर्स दे आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस काइंड ऑफ ए प्रोजेक्ट स्पेशली टू बी स्टार्टेड इन द हॉस्पिटल्स एंड ए प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट विद ए गुड मेथडोलॉजी। इस डिवाइन संस्कार से अगले पैदा होने वाले जो हमारे बच्चे होंगे दे विल बिकम डिवाइन एंड आज के समय की सब बुराइयाँ खत्म हो जाएंगी। सो एवरी फैमिली शुड स्टार्ट विद दिस काइंड ऑफ संस्कार एंड दे शुड स्टार्ट टेकिंग अप द कोर्सेज ऑफ राज योगा। द मोमेंट द लेडी बिकम प्रेगनेंट द फैमिली द हस्बैंड वाइफ एंड द होल फैमिली शुड गेट इन्वॉल्व इन टू दिस प्रोजेक्ट। डिवाइन गर्भ संस्कार ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। अभी इतना प्रूफ हमारे पास है, पहले हम एलोपैथी के डॉक्टर नहीं मानते थे, बट नाउ देयर इज अ बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एनर्जी विच सर्वाइव्स द डेथ ऑफ द फिजिकल बॉडी। भारत में तो ये बहुत सालों से इवन आयुर्वेदा में बहुत अच्छी तरह से इसका वर्णन किया हुआ है। हमको अभिमन्यु का उदाहरण तो पता है। अभी इसके ऊपर इतना अच्छा रिसर्च चल रहा है कि साइकोलॉजिस्ट आज ये कह रहे हैं कि जो गर्भ में एनर्जी प्रवेश करने वाली है वो खुद डिसाइड करती है कि किस घर में मुझे जाना है, मुझे कौन से माता पिता चाहिए। यहाँ तक साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट पहुंचे हुए हैं। डिवाइन गर्भ संस्कार में जो अच्छी बात मुझे ये लगी कि वी आर प्रोग्रामिंग दैट सोल टू बिल्ड अ ब्यूटिफुल फिजिकल बॉडी। जब आपका शरीर अच्छा है और आत्मा को अच्छे वाइब्रेशन मिलते हैं तो डेफिनेटली जो संतति निर्माण होगी, जो बच्चा बाहर आएगा वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके ऊपर काफ़ी सारे स्टडीज़ किए हुए हैं। मैं एक स्टडी हमेशा बताता हूँ, इवन म्यूज़िक, जिन बच्चों का जन्मते ही वज़न कम था उनको बहुत अच्छा म्यूज़िक सिखाया गया, सुनाया गया, तो देखा गया कि जो लो बर्थ वेट बेबीज़ थे उनका वज़न बढ़ गया केवल म्यूज़िक के सुनने से। तो मेडिटेशन जो डिवाइन गर्भ संस्कार में सिखाया जाता है डेफिनेटली ये माँ के लिए और बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस साइंटिफिक प्रोग्राम का फ़ायदा लें, जो कि माँ और बच्चे के लिए नहीं परंतु सभी परिवार के लिए अच्छा है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये प्रोजेक्ट हर घर में, भारत में ही नहीं देश विदेश में पहुंचे, और जो भी बच्चे इस दुनिया में आने वाले हैं, बालक जो आने वाला है वो एक सुदृढ़ बालक हो जो श्री कृष्ण की तरह हो, तन और मन उसका सुंदर हो। ओम शांति। देखिए, मेडिकल साइंस में स्वस्थ जीवन के 3 आधार स्तंभ माने गए हैं। एक है डाइट, दूसरा एक्सरसाइज और तीसरा रेस्ट। तो जब कोई भी माँ गर्भ धारण करती है तो मेरा ये मानना है कि चाहे शरीर एक होता है लेकिन उसके अंदर आत्माएं 2 होती हैं, क्योंकि बच्चे का भी उसके अंदर विकास हो रहा होता है। तो जैसे माँ के प्रॉपर भोजन पर ध्यान दिया जाता है, उसकी एक्सरसाइज पर अलग प्रकार के व्यायाम बताए जाते हैं और उसको पूरा आराम दिया जाता है, तो ये केवल भौतिक भोजन और आराम और व्यायाम की बात नहीं है। मेरा ये मानना है
कि स्वस्थ भोजन के साथ साथ मन का भोजन भी, जिसके अंदर शुद्ध विचार, पॉजिटिव थिंकिंग, एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए, वो भी उतना ही मायने रखता है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ अच्छे संस्कार जो हैं, कहते हैं ना कि संस्कार मनुष्य को रईस बनाते हैं, तो बच्चे का भी जो विकास आरंभ होता है, संस्कारों का जो विकास होता है, वो माँ के गर्भ से ही हो जाता है। और ये संस्कार उसे कौन देगा? ये संस्कार उसे माँ ही दे सकती है। तो सबसे पहले जो ये संस्कार हैं, ये थॉट प्रोसेस है, ये माँ को अपने अंदर लाना पड़ेगा। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हूँ ब्रह्मा कुमारीज यूनिवर्सिटी को, जिन्होंने, जिनके मेडिकल विंग ने एक नया इनिशिएटिव, एक नया प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, जिसका नाम है डिवाइन गर्भ संस्कार। ये ना केवल भौतिक भोजन पर, भौतिक विकास पर ध्यान देता है, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिक विकास माँ का और आने वाली एक नई आत्मा, एक नए बच्चे का भी, उसके संस्कारों के विकास के ऊपर भी ध्यान देता है। मैं होप करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट एक रेवोल्यूशन लाएगा हमारे समाज में, हमारे नए आने वाली जनरेशन के अंदर। डिवाइन गर्भ संस्कार का जो प्रोजेक्ट इस संस्था ने शुरू किया है, मैंने पाया कि वो बहुत लाभकारी होगा दोनों बच्चे और माता के लिए भी। बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले से ही उसकी आत्मा गर्भ के अंदर प्रवेश करती है, और अपने अलग अलग वेदांतों के, वेदों के कारण भी ये पाया गया है कि जो भी संस्कार हम बच्चे के अंदर, उसकी इंट्रायूटरन लाइफ के अंदर डालते हैं, वही वो आगे कैरी करता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चा, मदर प्रेगनेंसी के दौरान खुश रहे, वो चारों तरफ अपना प्यार फैलाए, और उसको हमेशा खुश रहना चाहिए, उसको पावरफुल रहना चाहिए, जिससे बच्चे को अच्छे संस्कार मिले और उन्हीं संस्कारों के साथ बच्चा इस दुनिया में आए, और वही संस्कार उसको जिंदगी भर के लिए खुशी देंगे। ये अपने आप में एक यूनिक प्रोजेक्ट है, जिसको इस उद्देश्य से बनाया गया है कि हम आने वाली जेनरेशन को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त कर सकें, और हमारा उद्देश्य है कि हम इस प्रोजेक्ट को हर गर्भवती बहन के परिवार तक पहुंचा सकें। और अगर हम ऐसा कर पाए तो मैं समझती हूं कि हम इस विश्व को सुखमय संसार बनाने में सफल हो पाएंगे, जिसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूं, और सभी उन परिवारों के लिए जो नव जेनरेशन के बच्चों को जन्म देने वाले हैं, उनके माता पिता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।